Bismillahir Rahmanir Rahim. Now start our next lecture on past perfect tense. So we will also practice on this tense. You all are required, you can also ask me during lesson. You can also ask me through your comments. First of all, tell me your name, write your name, then country name, and then ask me if you feel any problem which I am teaching. Then ji hum tense ka jo hai wo silsila jo break kiya hua tha usko start karte hain. Lekin ab thodi si maine tabdili ye ki hai ki during lecture aapko agar kisi cheez ka nahi pata chal raha hoga to aap comments ke through mujhse pooch sakte hain. आप नाम लिखें पहले अपना और फिर आप कंट्री नेम लिखें, देन फिर आप मुझसे पूछें जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ. ड्यूरिंग लेक्चर आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के थ्रू. तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस के हवाले से. लेट्स स्टार्ट. यस, पास्ट perfect tense, past perfect tense. Just wait. Okay, so this tense has two parts. First part is ji Shahab Husseini ne hame jo hai wo join ki. वो एक हम कहेंगे ये टेंस जो है कंप्लीट हो जाएगा. कंप्लीट इन वन पार्ट इट देर विल बी कंप्लीट एंड इन सेकेंड पार्ट इनकम्प्लीट. दिस टेंस विल बी इन टू पार्ट्स. इन फर्स्ट पार्ट the narration, the sense will be completed, and in other part this sense or narration will be incomplete. ये जो tense है दो हिस्सों के अंदर आता है. एक के अंदर आप जो ना complete होगा और दूसरा जो है वो incomplete होगा. जो complete tense होगा वो आपने उस completed format में करना है. तो अब हम देखते हैं, as usual we will also look helping verb. Helping verb. So helping verb there will be used had for complete sense. And did or second form for incomplete. जी, दो हिस्से के अंदर ये बनेगा. जो कंप्लीट होगा उसको आपने हैड के फॉर्मेट में बनाना है और जो इनकम्प्लीट होगा वो आपका सेकंड फॉर्म में आ जाएगा. अब इसके अंदर जो फॉर्म इस्तेमाल करनी है तो फॉर्म विल बी यूज्ड थर्ड फॉर कंप्लीट एंड second for incomplete. लेकिन ये कुछ फॉर्मेट मैंने बनाया है कि फिक्रा जो है दो हिस्सों के आता है. देर इज अ टेंस इन टू पार्ट्स. लाइक डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था. मरीज मर चुका था, दिस इज कंप्लीट. कि मरीज मर चुका था, दिस इज कंप्लीट पार्ट ऑफ
tense, and it will be used. There will be third form and had. Doctor ke aane se pehle. So this is incomplete format of sentence, and it will be make with the help of past indefinite tense. Let's start. हम पहले ही चाय पी चुके थे. हम पहले ही चाय पी चुके थे. हम पहले ही चाय पी चुके थे. अब देखें चुके थे. सो इन दिस चुके थे पास्ट परफेक्ट. चुके थे से आपको पता चला कि ये जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है. तो हम चाय पी चुके थे. आप इसको इस तरीके से बनाएं. हम चाय पी चुके थे. वी हैड टेकन. टेक होता है फर्स्ट फॉर्म. इसकी सेकंड टुक और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे टेकन. वी हैड टेकन टी. हम चाय पी चुके थे. वी हैड टेकन टी. तो पहले ही के लिए लफ्ज इस्तेमाल करेंगे ऑलरेडी. वी हैड टेकन टी ऑलरेडी. हम पहले ही चाय पी चुके थे. वी हैड टेकन टी ऑलरेडी. इसको आप इंट्रोगेटिव में लेके जाएंगे तो फिर आपने हैड को पहले लिख लेना है. फिर आप लिखेंगे कि हैड वी टेकन टी ऑलरेडी. क्या हम पहले ही चाय पी चुके थे. हैड वी टेकन टी ऑलरेडी. अगर नेगेटिव फॉर्म में लेके जाना तो फिर आप लिखें करेंगे इसको जो है वी हैड नॉट टेकन टी. हम चाय नहीं पी चुके थे ऑलरेडी पहले ही. तो अब अगली फॉर्मेट ये भी हो सकता है कि आप क्वेश्चनिंग एंड नेगेटिव फॉर्मेट दोनों में ले आए. तो इस तरीके से बनाएंगे हैड वी हैड वी नॉट टेकन टी ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क. सो दिस इज अ फॉर फॉर्मेट ऑफ टेंस. वी हैड टेकन टी ऑलरेडी. हैड वी टेकन टी ऑलरेडी. वी हैड नॉट टेकन टी ऑलरेडी. हैड वी नॉट टेकन टी ऑलरेडी. तो ये जो है हमने एक बात की. हम नेक्स्ट जो है वो और कुछ लेके उसकी प्रैक्टिस करते हैं. लें जी हम आगे देखते हैं. जब मैं घर पहुंचा तो बारिश थम चुकी थी. जब मैं घर पहुंचा तो बारिश थम चुकी थी. दिस सेंटेंस इन टू पार्ट्स. बारिश थम चुकी थी कंप्लीटेड पार्ट. बारिश थम चुकी थी जब मैं घर पहुंचा. दिस इज इनकम्प्लीट. तो आप बना उसी तरीके से. यू विल मेक सेम प्रोसेस विच हैव वी. जी बारिश थम चुकी थी. द रेन
had stopped. The rain had stopped. The rain had stopped. Jab main ghar pahuncha. When I reached home. When I reached home. The rain had stopped when I reached home. जब हम घर पहुंचे तो सूरज डूब चुका था. जब हम घर पहुंचे तो सूरज डूब चुका था. जब हम घर पहुंचे तो सूरज डूब चुका था. सूरज डूब चुका था जब हम घर पहुंचे. सूरज डूब चुका था. द सन हैड सेट. द सन हैड सेट. When we reached home. When we reached home. जब हम घर पहुंचे तो सूरज डूब चुका था. तो मैंने बताया है कि ड्यूरिंग लेक्चर आप जो है वो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं. मुझसे आप पूछ सकते हैं कहाँ कहीं से अगर आपको कोई समझ नहीं आ रही. अच्छा जी, हम आगे देखते हैं. हम हमारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी. हमारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी. हमारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी. जी, हमारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी. हमारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी. गाड़ी रवाना हो चुकी थी पहले से हमारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले. तो गाड़ी रवाना हो चुकी थी. द ट्रेन हैड लेफ्ट. The train had left. Before we reached the station. जी, the train had left before we reached the station. हमने पहले कभी चिड़ियाघर नहीं देखा था. हमने पहले कभी हमने पहले कभी चिड़िया घर नहीं देखा था. चिड़िया घर नहीं देखा था हमने पहले कभी. हमने पहले कभी चिड़ियाघर नहीं देखा था. तो इसको आप किस तरीके से बनाएंगे. वी हैड नेवर सीन द जू. तो ये जो है वो सिंगल ही पार्ट के अंदर आएगा.
बिफोर के साथ जो है ना हम पहले के लिए कर देंगे बिफोर, यहाँ से ये हिस्सा जो है आप अलग से निकाल लेंगे। हमने चिड़ियाघर कभी नहीं देखा था, वी हैड नेवर सीन, वी हैड नेवर सीन द जू, वी हैड नेवर सीन द जू बिफोर। हमने पहले चिड़ियाघर नहीं देखा था। लें जी आगे तो दो चार और फिक्रों की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जी हफीज इस दिन 4 बजे तक यहां नहीं पहुंचा था, हफीज इस दिन 4 बजे तक यहां नहीं पहुंचा था। तो अब देखें उसी तरीके से तक जो है वो आप सेपरेट कर लें, बाकी जो है आप उसी तरीके से बनाएं। अब बनाए हफीज इस दिन यहां नहीं पहुंचा था, हफीज हैड नॉट रीच्ड हियर, हफीज हैड नॉट, हफीज हैड नॉट रीच्ड हियर, हफीज हैड नॉट रीच्ड हियर, हफीज यहां नहीं पहुंचा था टिल 4 o'clock, टिल 4 o'clock, टिल 4 o'clock डैट डे उस दिन, डैट डे उस दिन, हफीज उस दिन 4 बजे तक यहां नहीं पहुंचा था। क्या तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले अमजद कराची रवाना हो चुका था, क्या तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले, क्या तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले अमजद कराची रवाना हो चुका था। दिस इज इन टू पार्ट्स, अमजद कराची रवाना हो चुका था तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले, तो आप करेंगे अमजद कराची रवाना हो चुका था, क्या इट इज इंट्रोगेटिव सेंस, हैड अमजद लेफ्ट फॉर कराची, लीव लेफ्ट हैड अमजद लेफ्ट फॉर, हैड अमजद लेफ्ट फॉर कराची बिफोर यू रीच्ड देयर, बिफोर यू रीच्ड देयर। लो जी ये कुछ फिक्रों के जो है वो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई, तो अब इसी ही को जो फिक्रे हैं आप अगेन जो है उनको लिख के आप जो है वो तैयार कर लें। बाकी मैं कुछ फिक्रे बोल देता हूँ, आप वो फिक्रे जो है लिख के प्रैक्टिस कर लें। जब खरगोश दरख्त के नीचे पहुंचा तो कछुआ मंजिल मकसूद तक पहुंच चुका था,
جب ہم جلسے میں پہنچے تو مہمان اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ چکے تھے. کیا سپاہیوں کے آنے سے پہلے سورج کیا سپاہیوں کے آنے سے پہلے چور بچ کر نکل گیا تھا؟ کیا ڈاکٹر صاحب کے آنے سے پہلے مریض نے دوائی پی لی تھی؟ سورج چڑھنے سے پہلے دھوبی تمام کپڑے استری کر چکا تھا. جب میں نے اسے دیکھا تو وہ ٹکٹ نہیں خرید چکا تھا. مدد آنے سے پہلے ہی جہاز ڈوب گیا تھا. میں نے پہلے اس مداری کو کبھی نہیں دیکھا تھا. کیا تمہارے آنے سے پہلے تمام دکانیں بند نہیں ہو چکی تھی؟ کیا گھنٹی بجنے سے پہلے تم نے تمام سوال نہیں نکال لیے تھے؟ اب اس کی جو ہے میں آپ کو وکیبلری بتا دیتا ہوں. جب خرگوش درخت کے نیچے پہنچا تو کچھوا کے لیے ٹورٹوئس کا لفظ استعمال کریں. منزل مقصود گول. چور بچ کر نکل گیا ٹو ایسکیپ. دوا پی لی ٹو ٹیک میڈیسن. استری کر چکا تھا ٹو پریس. مدد آنے سے پہلے جہاز ڈوب گیا ٹو سنک. مداری کے لیے جاگلر. تو یہ کچھ وکیبلری میں نے بتا دیا. پہلے آپ جو میں نے اگزامپل آپ کروائیں آپ ان اگزامپل کو کریں اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے نیکسٹ پریکٹس کریں. آئی ہوپ یو ول انجوائے دس لیکچر اینڈ دیٹ لیسن ول بی بینیفیشل فار یو. یو کین آلسو شیئر دس لیسن سو دیٹ ادر پیپل ہو آر سٹنگ ان دیئر ہوم دے کین آلسو بینیفیٹڈ دس لیسن. فار دس پریئر مے اللہ بلیس یو and create easiness for you. Allah Hafiz.